Assalamu alaikum, my dear students. We are once again ready to begin learning some new concepts of management. And I hope by now you have fairly a good idea that whatever we are learning for a profit-based, profit-oriented, for-profit organizations, business organizations, बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स वही आइडियाज वही फंडामेंटल्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इस्तेमाल होंगे हमने अपनी डिस्कशन में आपने महसूस किया होगा फर्स्ट कीजिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत कम जिक्र किया है लेकिन जो प्रिंसिपल्स जो फंडामेंटल्स अब तक हमने लर्न किए हैं बिल्कुल exactly एग्जैक्टली उसी तरह से आप उनको अप्लाई करके देखिए प्लानिंग आप कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए यू विल फाइंड दे डू हैव देयर प्लान्स दे हैव वर्क प्लान दे डू हैव स्ट्रेटेजिक प्लान फाइव ईयर प्लान फाइनेंशियल प्लान बजट बजट इज अ प्लान एक फर्क जहन में रखिएगा कि वेन यू स्पीक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिलीवर्स प्रोडक्ट यू अप्लाई दो प्रिंसिपल बन वेन यू कम टू दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली देर इज नो प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड दीज आर बेसिकली सर्विसेस फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी सर्विसेस लेट्स कीप इन माइंड जब आपके जहन में सिक्योरिटी की बात आए तो गवर्नमेंट की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके जहन में आएगी पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर होगा उसका कुछ टॉप मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोग होंगे मिडिल मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट सेफ्टी नो थिंक ऑफ इट सेफ्टी इनलैंड ऑनलैंड ऑन द सी सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर्स डिफेंस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं सो यू थिंक ऑफ एनी सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इमीजिएटली यू विल कम टू सी That their management principles will be equally applied, what you are learning for the profit based organizations. For example, utilities, electricity. Let us start from the minister, prime minister for the whole country. Then we have a minister for power and electricity. Looking into a huge department you have a secretariat, a division at the federal level. then you have a chairman looking into the total utility distribution, electricity distribution, electricity generation, operations, maintenance. and then think of it. the distribution, controlled provinces, wise control, जनरेशन को कहां कहां पर किस किस पॉइंट पर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रिसोर्सिस को कैसे पूल किया जा रहा है अच्छा फिर मेंटेनेंस के परस्पेक्टिव में चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं मेंटेनेंस के परस्पेक्टिव के अंदर क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होंगे क्या सबके सब वही होंगे जो आप एक प्रॉफिट बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टडी कर रहे बिल्कुल वही होंगे प्लानिंग का फंक्शन भी होगा डिसीजन मेकिंग भी हो रही होगी ऑर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि चेयरमैन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज ए यूटिलिटी डिलीवरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सुई गैस डिलीवरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर मे बी वाटर फॉर द हाउस पर्पजेस मे बी वाटर फॉर द इिगेशन पर्पजेस तो इसलिए माई डियर स्टूडेंट्स अजीज तलबा तालिबाइन में रखिएगा रिगार्डलेस ऑफ इट्स ए मैन्यूफेक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और ए सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और इट्स ए विचुअल ऑर्गेनाइजेशन यह प्रिंसिपल्स बिल्कुल उसी तरह से तमाम ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होंगे लेकिन चूके जिक्र ज्यादा फॉर एक् फॉर एग्जाम्पल पिछले सेशन के अंदर जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे तो हमने यह महसूस किया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और हमने बात की मार्केटिंग की मैन्युफैक्चरिंग की फाइनेंस की तो इससे जहन में यह बिल्कुल बात ना आए कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता ही नहीं लेकिन देखिए वहां सर्विसेस डिलीवर हो रही है तो सर्विस प्रोडक्शन सर्विस डिलीवरी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन दैट वुड बी ए सिमिलर फंक्शन विच यू मे कॉल ए मैन्युफैक्चरिंग इन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कस्टमर्स की बात करते हैं गवर्नमेंट और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सोसाइटी की बात करते हैं सिटीजन की बात करते हैं सिटीजन सर्विसेस की बात करते हैं तो मैं ये चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट और ये कंफ्यूजन दोनों आपके सामने रख दिए जाए और कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए कॉन्सेप्ट को लर्न किया जाए कि प्रोडक्ट बेस्ड फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दे विल ऑल यूज द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आई होप इट्स क्लियर यू विल कीप दैट इन माइंड फॉर वट एवर प्रिंसिपल वी आर लर्निंग

डिस्कशन को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था कि वीर लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वीर लुकिंग फॉर दो बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रिंसिपल ब्लॉक्स विच कैन गिव ए गुड स्ट्रक्चर टू यूज अवर रिसोर्सेस पिछले सेशन में ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन के परस्पेक्टिव के अंदर वी वर लुकिंग फॉर दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड वी सेट सिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स विच केन गिव एस A best structure so that we can organize our resources to deliver the best service, the best product. Che building blocks may say, humne do ki discussion complete keithi, complete ki thi. Humne kaha tha ki number one, every manager, every organization must first create jobs and then put those jobs together in the form of specialization similar jobs in one group sales key jobs production related jobs customer complaint handling jobs iski detail humne dekhi The aspect humne session dekha, organizing structure ke se, ke we would like to group these jobs together and we call it departmentalization बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में फिर हमने लर्न किया कि वी वुड लाइक टू डिपार्टमेंटलाइज लाइज मे बी ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग एच फाइनेंस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मे बी वी वुड लाइक टू डिपार्टमेंटलाइज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कस्टमर्स वी सर्व आज इस परस्पेक्टिव में ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन के इस एस्पेक्ट को यूज करते हुए हम एक अच्छा स्ट्रक्चर डिवाइस कर सकते हैं मैं आपके सामने मेट्रो स्ट्रक्चर भी पेश करूंगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा अगरचे कॉम्प्लेक्स है लेकिन यह स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपको नजर आएगा बाकी जो चार Building blocks for organizing structure learn karna learn. we would like to see how we will establish reporting relationships, person A to person B to person C. And number four, how we would like to distribute the authority. Remember, we said responsibility and authority both are required to carry out a particular job. So, authorities distribute hongi. kya mechanism. है? प्रिंसिपल है जो आपको सामने रखने चाहिए जब आप अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करें और माइ डियर स्टूडेंट्स पांचवासिक ब्लॉक है किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को सामने रखते हुए चार्ट बनाना चाहें वो ये होगा हाउ आर यू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अक्रॉस देशन और छठा प्रिंसिपल जो में आपको रखना होगा वो ये कि जो डिफरेंट पोजिशन फर्स्ट लाइन ऑपरेटर लेवल मिडल लाइन टॉप लेवल कॉन्टिनेंटल लेवल कंट्री लेवल सिटी लेवल हाउ आर यू गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज डिफरेंट पोजिशंस दर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव के अंदर प्लीज कीप इन माइंड वी वुड लाइक टू कम अप विद स्ट्रक्चर विच शुड स्पीक पास ऑन इंफॉर्मेशन Communication in the best way possible so the resources are used efficiently and effectively. That is the job of a manager to make the decision which should be efficient and effective. My dear students, let us look at the location based structure, departmentalization. How are you going to distribute people? रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन इफ यू वुड लाइक टू डिपार्टमेंटलाइज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है एबीसी एंटरप्राइज लोकेटेड इन लाहौर लेकिन चार रीजन के अंदर यह ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑपरेशन को लुकआफ्टर कर रही है रीजन नंबर वन वी आर कॉलिंग इट सेंट्रल पंजाब ग्रुप दूसरा साउदर्न पंजाब ग्रुप पंजाब के अंदर आपने दो ग्रुप्स बना दिए तीसरा रीजन आप क्या लुक ऑफ्टर कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्दर्न रीजन अब आपने मेंशन नहीं किया कि ये नॉर्दर्न एनडब्ल्यू एफ पी भी हो सकता है ये टोटल नॉर्दर्न रीजन है सो इन अदर वर्ड्स यू हैव ए टीम विच इज लुकिंग ऑफ्टर द टोटल नॉर्दर्न रीजन ये ऑपरेशन आपकी मार्केटिंग की भी हो सकती है ये ऑपरेशन आपकी कस्टमर हैंडलिंग की भी हो सकती हैं। इट कुड बी एनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एबीसी एंटरप्राइज और चौथा जो जोग्राफिकल बेस्ड लोकेशन के अंदर स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया है वो सिंध रीजन को एड्रेस कर रहा है इस परस्पेक्टिव के अंदर ये कंपनी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग साइट हमें नहीं मालूम कहा है चारों जगह पर भी हो सकती है एक जगह पर भी हो सकती है लेकिन मार्केटिंग रिलेटेड कस्टमर सर्विस रिलेटेड मेंटेनेंस रिलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड दिस कंपनी हैज फोर ऑफिस फोर स्टाफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स हु बी रिस्पांसिबल टू लुक आफ्टर दैट टोटल रीजन दैट टोटल ग्रुप

to carry out the operations of this geographical base departmentalization abc enterprise structure. abc this structure ko geographical perspective ke andar, global level par abc enterprise. once again, naam rakha hai, abc enterprise. but this enterprise is now working all over the world. and when we say all over the world, that means कंपनी हैज स्ट्रक्चर इन प्लेस फॉर ए सेंट्रल एशिया ग्रुप अब आप जरा सोचिए कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से ममालिक आएंगे फिर उनमें तमाम उन ममालिक के परस्पेक्टिव के अंदर जब आपके पास एक सेंट्रल एशिया का एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा तो फिर शायद कंट्री मैनेजर भी होंगे दूसरा ग्रुप देख लीजिए आप यूरोपियन ग्रुप तीसरा ग्रुप वेस्टर्न नॉर्थ अफ्रेका का ग्रुप है और चौथा इस ऑर्गेनाइजेशन का ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है अब डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ये तो इस एबीसी एंटरप्राइज की अपनी ऑपरेशंस पर डिपेंड करता है कि ये कंपनी कहां कहां पर अपनी ऑपरेशन अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेस डिलीवर कर रही है और वहां पर अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए तो जोग्राफिकल लोकेशन के परस्पेक्टिव में इस तरह से कंट्री वाइज रीजन वाइज कॉन्टिनेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइज किया जाता है और डिजाइन किया जाता है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन की क्या एडवांटेजेस हैं आप खुद महसूस कर लीजिए कि नंबर वन इट विल बी रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड ऑफ द डिफरेंट मार्केट नीड्स डिफरेंट मार्केट एरिया विद यूरोप यू हैव सो मेनी कंट्रीज विद इन एशिया डिफरेंट मार्केट डिफरेंट कल्चर डिफरेंट पीपल डिफरेंट मार्केट नीड्स आसान हो जाएगा आपको अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेस को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फोकस करते हुए इवन विद इन अ कंट्री जब आप कहते हैं सेंट्रल पंजाब वर्सेज नॉर्दर्न एरिया आप मार्केट को फोकस कर रहे हैं स्मूथ लाइन स्ट्रीम लाइन

अगर आपका मैनुफैक्चरिंग प्लांट फर्स्ट कीजिए सिंध में है और आप नॉर्दर्न रीजन पर फोकस कर रहे हैं तो नॉर्दर्न रीजन के पर्सपेक्टिव के अंदर आप किसी एक शहर के अंदर लेट्स से पिशावर और नौशहरा यू कैन हैव योर ऑफिस अ पर्सन रिस्पांसिबल देयर ऑल योर ऑपरेशंस विल बी डेल्ट फ्रॉम देअर ऑल हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सिस विल बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑफिस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? ये कुछ डिसएडवांटेजेस है. हैं फॉर एग्जांपल, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस अब आप जहन में लाइए कि जितने रीजन या ग्रुप्स आपने डिजाइन किए हैं डेवलप किए हैं कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सिस जरूर होगी एंड नंबर टू इट कुड बी ऑल्सो ए डिसडवांटेज्रॉस द डिपार्टमेंट कोशन ऑफ एक्टिविटीज में भी डिफिकल्ट लेकिन बहरहाल जोग्राफिकल परस्पेक्टिव के अंदर अगर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करके एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं उसकी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं यह एक, एक ऐसी शक्ल है स्ट्रक्चर की जिसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं खासा कॉम्प्लेक्स होता है यह स्ट्रक्चर भी आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर का पर्पज यह होता है कि आप एक्स वाई जैसे एक मेट्रिक्स बनाते हैं कुछ एक्स एक्सिस पर डिपार्टमेंट्स या पर्सनैल या स्टाफ है ये फर्ज कीजिए इस केस में आप ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप लैटिन अमेरिका सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया कंट्रीज रीजंस आपने एक्स एक्सिस पर शो कर दिए वाई एक्सिस पर अब आप क्या लेकर आ रहे हैं इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव ग्लोबल कंज्यूमर्स ग्लोबल कॉपोरेटिव इन्वेस्टमेंट बैंक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल आईसीटी सर्विसेस वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माई डियर स्टूडेंट फिर देखिए जब आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप के अंदर किन ममालिक पर आप फोकस कर रहे हैं जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ कि कंट्री मैनेजर्स इन स्पेन फ्रांस आयरलैंड दूसरी तरफ अब आप सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया की बात ले लीजिए Maybe you would be looking for the country managers in China, in Japan. And all these people coordinating with what kind of services this company is providing ABC International. Look at the left side, the y axis. We are providing ICT services, information and communication technology services. And what are the kind of services which are there? And how are you going to coordinate? क्स यस इट इज कॉम्प्लेक्स एक और कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर की होती है वो क्या है हु रिपोर्ट टू हुम जनरली मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक शख्स के लिए अमूमन एक से ज्यादा बॉस होते हैं कंफ्यूजन भी होती है कंफ्लिक्ट भी होता है लेकिन फ्रीडम भी स्ट्रक्चर के अंदर होता है तो जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यह स्ट्रक्चर भी आपके जेहन में रहना चाहिए

इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक सब मेरीन केबल है जो दुनिया के गिरद आपकी कंपनी ने समुंदर के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफर वीडियो ट्रांसफर वॉइस डाटा ट्रांसफर के परस्पेक्टिव के अंदर सर्विसेस प्रोवाइड कर रही है मैनी कंट्रीज मैनी पीपल मैनी रीजन बट यू आर एफिशंटली एंड इफेक्टिवली कैरिंग आउट ए लार्ज टास्क कॉम्प्लेक्स टास्क यू नो इट हाउ दिस केबल इन दी इज डिलीवरिंग सर्विसेज एंड यू आर जनरेटिंग रेवन्यू बाई सेलिंग दो सर्विसेज आखिर कोई कंपनीज ही होती है ना जो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लुकऑफ्टर कर रही होती है कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सर्टनली इट विल रिक्वायर हायर लेवल ऑफ कॉर्डिनेशन मैंने सब मेरी केबल का नाम लिया गोइंग अराउंड सो मेनी कंट्रीज So many regions, so many heads providing so many different types of services. traffic of so many different types of data. this means high level of coordination will be required. And of course, people are doing it. Companies are earning billions of revenue out of providing these services. Of course, as I said earlier, kuch conflict hoga. Conflict between bosses. at a time bosses report One on the right, eastern side, one on the left, western side. And the one sitting in the country, teen boss hogat. But there could be a conflict, but you would need high level of management skills to work in the matrix organization. So it gives freedom it gives you high level of task and it requires those kind of managers which are innovative which are very sharp focused and who can come up with decision making quick and fast and are people friendly that's why we are saying it requires high level of management skills but then it is associated with high level of salary it is associated with high level of revenues no pain, no gain. High gain, high pain. Both are associated, my dear students, together. Let us look at the third function now, third building block. How are we going to report relationships? How are we going to establish the relationship and people reporting to each other? That is very important. Let us look at the concept in the organizing structure what are those issues which we have to keep in mind while one is reporting to the other see this ladder from the bottom level to the top people are sporting the ladder of the organization and when we are sporting this ladder there is a hierarchy organization Resources, people, one reporting to the other. But please keep in mind, there has to be some structure. Someone at the bottom, someone in the middle, someone at the top, everyone supporting the other. Ye nahi hai ke the one in the middle is not supporting the one at the bottom, no. Then the ladder will not be stable. तो so कॉन्सेप्ट यहां पर हम क्या लर्न करना चाह रहे हैं चेन ऑफ कमांड देर इज अ चेन और देखिए चेन के अंदर एक एक पीस एक एक यूनिट एक एक डिपार्टमेंट एक एक ऑफिसर एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है और चेन में से अगर कहीं पर एक यूनिट भी उसका ब्रेक होगा तो चेन नहीं कहलाएगी चेन की स्ट्रेंथ इसी के अंदर है कि एक यूनिट दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे कोऑर्डिनेट करे हेल्प करे रिपोर्ट करे और मिलकर एक रिलेशनशिप डेवलप करे तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस कॉन्सेप्ट व्हिच वी कॉल चेन ऑफ कमांड लेट अस सी व्हाट इज दिस चेन ऑफ कमांड इट्स अ वर्टिकल लाइन अच्छा इसका मतलब यह नहीं हॉरिजेंटल लाइन नहीं होती अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द फंक्शन डेफिनेटली वो भी होती है लेकिन हम बात कर रहे हैं चेन ऑफ कमांड की चेन ऑफ कमांड इज अ वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी एन इनर ऑर्गेनाइजेशन इट टेल्स यू वेरी क्लियरली हु रिपोर्ट टू हुम समू द वन इन द मिडो समो रिपोर्टिंग टू द वन एट द टॉप वेरी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी गोइंग फ्रॉम बॉर्डम टू द टॉप ए वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी टेल्स यू दिस इज द चेन ऑफ कमान अच्छा अब इस चेन के अंदर कितने यूनिट्स हैं दस हैं बीस हैं बाईस हैं पच्चीस हैं कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ेगी वर्टिकल लाइन अगर इसमें पांच यूनिट्स होंगे पांच आदमी होंगे पांच डिपार्टमेंट होंगे पेरेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर एज मिनिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट लेवल्स यू विल कीप यू विल हैव मोर सिंप्लिसिटी बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को रन करने के लिए डिफेंस को ऑपरेट करने के लिए यूनिट ए चेन ऑफ कमांड So many different people working at different level. But each one of them is responsible for his own area, for her own area, and is authorized, given authority, given power. So please keep in mind, chain of command is a vertical line of authority in an organization which tells you who reports to whom. Or it's a general rule, that someone at the middle टॉप सो इट्स अट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट्स सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वन डाउन वन अपर वन अपन डाउन सो दन डाउन इज रिपोर्टिंग टू दिन अपन ऑफ कमांड का यही प्रिंसिपल है याद है ये पिक्चर मैंने आपको शायद बहुत अर्सा पहले दिखाई थी जब हम इश्यू डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे थे टॉप मैनेजर मिडिल मैनेजर फर्स्ट लाइन मैनेजर अजीज तलबा और चेन ऑफ कमांड के पर्सपेक्टिव के अंदर मुझे जरा बताइए आप उस वक्त हम इसे देख रहे थे टॉप मिडिल फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड नॉन मैनेजर अब हमने इसको एक स्ट्रक्चर दिया है स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में हमने ये कहा कि चेन ऑफ कमांड मीन्स वन डाउन विल बी रिपोर्टिंग टू द वन अप तो आप मुझे बताइए कौन किस को रिपोर्ट कर रहा है क्या एक्स वाई को रिपोर्ट कर रहा है या वाई एक्स को रिपोर्ट कर रहा है इसी तरह से क्या वाई जी को रिपोर्ट कर रहा है या जी वाई को रिपोर्ट कर रहा है रिमेंबर चेन ऑफ कमांड वर्टिकल लाइन इट टेल्स यू हु रिपोर्ट्स टू होम द वन एट द बारम the one in the middle reports to the one above so the one below reports to the one above is Z1 Z2 Z3 the people at the Z level are reporting to the people at the Y level Y1 Y2 Y3 and the people at the Y level managers at the Y level are reporting द पर्सन एट द एक्स इज अ चीफ एग्जैक्टिव इज अ कंट्री हैड कंट्री मैनेजर वन पर्सन चेन ऑफ कमांड के परस्पेक्टिव में तीन लोग एट द मिडल लेवल इसका मतलब यह हुआ कि जब आप चेन ऑफ कमांड के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे उसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड कितने लोग एट ए टाइम कितने ऑफिसर्स कितने मैनेजर्स रिपोर्ट करने वाले हों कि टास्क ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सके थ्री मिडिल मैनेजर्स लुक एट हाउ मेनी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स देर आर वाई वन वाई टू वाई थ्री रिपोर्टिंग टू वन एक्स एंड देन वी हैव नाइन जीज अगेन थ्री रिपोर्टिंग टू वाई वन थ्री रिपोर्टिंग टू वाई टू Three reporting to Y three. We will learn the concept of unity of command as well. The chain of command tells you the one below reports to the one above, and that authority, responsibility. The vertical line gives you the idea of the chain of command. That's what the unity of command is. Each person within the organization, he must have a clear रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू वन बॉस जैसे हमने कहा ना था कि वाई वन इज रिपोर्टिंग टू एक्स इंडिपेंडेंटली और वाई टू रिपोर्टिंग टू एक्स इसी तरह से जी या जेड मिस्टर जेड रिपोर्टिंग टू वाई वन इंडिपेंडेंटली तो यूनि ऑफ कमांड के वन पर्सपस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव में हम चाहेंगे कि एक वक्त में एक आदमी का एक ही बॉस हो लेकिन मेट्रो स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा था कि बाजू का ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वर्टिकल कमांड के साथ साथ होरिजेंटल कमांड भी ऑपरेटिव होती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के परस्पेक्टिव के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अचीविंग परस्पेक्टिव के अंदर आप ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा रिपोर्टिंग लाइंस होंगी एक से ज्यादा बॉसेज होंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी यू नीड टू हैव बेटर मैनेजमेंट स्किल्स लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यह है यू शुड बी वन परसेंट होम यू विल बी रिपोर्टिंग अच्छा फिर जेहन में लाइए जब हम शुरू में हेनरी फॉल के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को लर्न कर रहे थे वहां पर भी हमने यह लर्न किया था दे शुड बी चेन ऑफ कमांड दे शुड बी ए यूनिटी ऑफ कमांड एक और कॉन्सेप्ट आ गया स्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि कितने लोगों को आप कंट्रोल करेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर एफिशिएंट मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव के अंदर एट ए टाइम आप लोगों को कंट्रोल करना चाहेंगे ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे So, this means span of control will tell you how many number of people report to a particular manager. And believe me, more number of people reporting to a manager, best management skills and best people skills of that manager will be. So, span of control will tell you how important that manager is because he is controlling, organizing leading planning for so many different people you could have a narrow span of control it could be a wide span of control operative floor per ya operative span ke andar, it could be up to 30 subordinates one manager to whom there could be 30 people reporting once again there is no hard and fast rule it could be a narrow it could be wide up to 30 but there could be 15. Zen mein y1. Now, Mr. y1, to whom 3 Zs were reporting, and then each Z was responsible for 5 people. So, log ho 18. 18 people reporting to one person. It's perfectly okay. So, that's why we are saying up to 30. The structure पज हमारा ये है कॉन्सेप्ट ये है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जेन में रहनी चाहिए एग्जीक्यूटिव स्पैन के परस्पेक्टिव में इन हाउ मेनी मैनेजर शुड बी रिपोर्टिंग टू यू टू वन मैनेजर व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज इन द स्पैन ऑफ़ कंट्रोल थ्री टू नाइन वाई वन वाई टू वाई थ्री थ्री कुड बी फाइव दुड बी सेवन अप टू नाइन स देन टेन मैनेजर शुड बी रिपोर्टिंग टू वन टॉप मैनेजर दैट वुड बी द बेस्ट इट कुड बी मोर इट कुड भी लेस डिपेंड करता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है मैं आई टी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल ले लेता हूं एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कितने ग्रुप लीड्स रिपोर्ट करते हैं जनरली फाइव और सिक्स और हर ग्रुप के अंदर फिर कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जनरली फोर फाइव सिक्स और सेवन दैट्स हॉ यू मेक द ग्रुप अब आप जब वो स्ट्रक्चरिंग जहन में आए तो जहन में लाइएगा कि यू आर टॉकिंग इज स्पैन ऑफ कंट्रोल या जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए आपको किसी ऑफिस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए सो डिवाइड दम इन सच ए वे दैट यू यूज दीज प्रिंसिपल बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट यू कैन अचीव दर्गेनाइजेशन गोल इन देश वे पॉसिबल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव में टॉल वर्सिज फ्लैट का मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए कि वाई दर्गेनाइजेशन एफ कॉल टॉल यानी वो लंबी नजर नहीं आती उनका स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है उनमें लेवल्स इतने होते हैं कि यू कॉल दम tal structure. Flat means maybe two or three levels. Let's take a look. Tal organizations generally they're more expensive. Why? Expensive in the sense you will need more information resources you will need more hierarchical resources generally they're more expensive. Number two communication can be difficult because of the number of channels through which the message has to pass. अभी आप स्ट्रक्चर देखिएगा जब हम कहते हैं ना जी कि 22 ग्रेड 22 ग्रेड के अलावा भी कुछ और बी so 24 लेयर्स ऑफ हरार की विच यू पुट टुगेदर टू गिव वन स्ट्रक्चर ऑफ अ डिपार्टमेंट यू स्टार्ट फ्रॉम द सेक्रेटरी और मे बी मिनिस्टर अभी हम कह रहे थे मिनिस्ट्री फॉर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी और मे बी पावर एंड वाटर यू स्टार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर Then the secretary, and then you come all the way down and see how many layers there are. Generally, in the government organizations, structures will be tall. Generally, in the business organizations, structures would be flat. Japanese organizations generally have flat structures. dono no Japanese advantages,? Hai, disadvantages,? Hai, depend karta hai कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह होगा कि दे विल लीड टू हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉज मोरल एंड प्रोडक्टिविटी हर आदमी बॉस को रिपोर्ट कर रहा है हर आदमी उससे इंस्पिरेशन भी ले रहा है हर आदमी अपने प्रॉब्लम्स इमीडिएटली एड्रेस कर रहा है और उसे पता है कि मेरी बात सुनी जा रही है एंड दैट लीड्स टू दी हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी More administrative responsibility for managers because there are fewer levels. <laughs> the structure is tall versus flat. The one at the tall organization, see how many levels there are? There is one president, of course, top manager. Then there are two below the president, four below them, and keep on going down. तो कितने लेवल हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर टॉल के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेवल ऑफ आर आरकीस लेट्स लुक एट द फ्लैट मेनी लेवल थ्री तो अगर आप प्रेसिडेंट को निकाल दें तो फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर हर शख्स अपने बॉस से डिस्कस भी कर रहा है रिपोर्ट भी कर रहा है इंस्ट्रक्शन भी ले रहा है फीडबैक भी दे रहा है आई थिंक इट माइट बी लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ मोरल एंड हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कि जी मैं बॉस के साथ अपने हेड के साथ गुफ्तगु कर सकता हूं एंड वी विल स्टडी दिस दैट इट्स लीड्स टू अ काइंड ऑफ फीलिंग आई एम इम्पोर्टेंट आई कैन स्पीक टू माई बॉस द माई बॉस इज लिसनिंग टू मी लेकिन अगर हरानिकल लेवल के अंदर स्ट्रक्चर्स लेवल्स बहुत ज्यादा हो तो आपने जो एप्लीकेशन लिखी है न जाने वहां तक पहुंचते पहुंचते उस मैसेज का क्या मैसेज बन जाए और किस तरह से आपकी बात वहां पर पहुंचे और उस कंप्लेन के लिए क्या सलूशन आपको सजेस्ट किया जाए डिपेंड so, करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टू सर्विस विच स्ट्रक्चर वुड बी सूटेबल फॉर रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप्स नंबर फोर हाउ आर वी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटीज रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी रिमेंबर वी लर्न डेलीगेशन हमने ये कहा था ए मैनेजर कैन डेलीगेट कैन गिव अवे हिज रिस्पांसिबिलिटी टू समवन एल्स, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना अथॉरिटी को आप अपनी अथॉरिटी को किसी कैसे मैनेजर को जो आपसे लेवल में कम है रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क डेलीगेशन मीन्स द प्रोसेस बाई विच मैनेजर्स विल असाइन ए पोर्शन ऑफ देयर टोटल वर्कलोड टू अदर्स पोर्शन नॉट ऑल देखिए एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे आपने ठीक है डेलीगेट कर दिया लेकिन द वन अबव जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं एफिशिएंसी, उन टास्क की उन गोल्स के हवाले से अचीवमेंट की परफॉर्मेंस लेवल क्या था कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था डेफिनेटली बॉस आपसे पूछेगा आप चाहे किसी को डेलीगेट कर दीजिए लेकिन बहरहाल चीजें डेलीगेट की जाती हैं और करने का मकसद यही होता है कि लोग आपके इर्द गिर्द ट्रस्ट के साथ काम कर सकें और इससे फिर एक एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है आप लोगों पर ट्रस्ट करते हैं उनसे काम लेते हैं उनके काम से हटकर आप अपना काम उन्हें देते हैं आप उन्हें प्रमोट भी कर रहे हैं आप उन्हें नेक्स्ट लेवल पर लाने के लिए तैयार भी कर रहे हैं और इस तरह से आप उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इसकी रीजंस कुछ सामने आ गई हैं नंबर वन ट विल एनेबल द मैनेजर्स टू गेट मोर वर्क डन बाइजिंग द स्किल्स ऑफ टैलेंटेड सबॉर्डिनेट तो आपको देखना पड़ेगा कि किसको मैं डेलीगेट कर दूर एक बात यह भी याद रखिएगा कि जब आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया है तो आपको अथॉरिटी भी उसे देनी होगी अकाउंटिबिलिटी आपकी होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों आप उसे देंगे तब डेलीगेशन मुकम्मल होगी नंबर टू इट विल फॉस्टर द डिवेलमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट अभी मैंने कहा था ना कि इट विल हेल्प देम टू बी प्रोमोटेड इट विल मेक देम टू बी रेडी टू बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल डेलीगेशन के साथ ही फिर एक कॉन्सेप्ट हम लर्न करना चाहेंगे डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन अभी आपने सुना होगा डेवोल्यूशन एंड वंस अगेन डेवोल्यूशन इज ए प्रोसेस हाउ यू विल ब्रिंग द पावर द अथॉरिटी, इन्वॉल्वमेंट

डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप उसी अथॉरिटी को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही है कौन सा सही नहीं है आपको लर्न करना है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस द मैनेजर विल सी इन द गिवन सिचुएशन हाउ आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड वट वुड बी द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन Decentralization means that significant authority will be found at the lower level of the organization. organizations, organization me, flat organizations me, hain that even manager, supervisor ko ye authority, hai, once you see that the process is complete, once you see that the product is ready, the shipment is ready, on my behalf, you can sign it off, let it go. ज आई फील यूर ट्रस्ट वर्दी यू कैन मेक ए डिसीजन विचवी इन द इंटरेस्ट ऑफ दर्गेनाइजेशन तो ट्रस्ट का एलिमेंट यहां पर डिसेंट्राइजेशन में ज्यादा होगा पांचवां आस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव के अंदर जो हम लर्न करना चाहेंगे कि आप अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर different number of people using different type of technology serving different type of markets and customers at the end of the day objective is same we want to achieve the organization goals so coordinating activity means there has to be once again a structure how are you going to put these things together डियर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन के लफ्स को ऑर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव के अंदर अच्छी तरह से समझ लीजिए एक्स वाई जी थ्री कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना आप तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी तीनों एक दूसरे के साथ अर्थोगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन क्या तीनों का आपस में कोई ताल्लुक है दे आर सपोर्टिंग वन एन दर सेम इज हियर, कोऑर्डिनेशन मीन्स, इट्स ए प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वट वुड बी कोऑर्डिनेशन, अच्छा फिर देखिए कस्टमर कंप्लेंट को देखते हुए आप अंदाजा कर लेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कैसे कॉर्डिनेट कर रहे हैं सलन कस्टमर ने कंप्लेन की इमीजिएटली वो कंप्लेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने डिजाइन डिपार्टमेंट को दी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दी अगर वह प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड है अगर वह सर्विस की डिलीवरी से रिलेटेड है और अगर उन्होंने कोेक्टिव एक्शन लिया मे बी देन इट इज रिपोर्टेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और नेक्स्ट साइकिल के अंदर वो कंप्लेन जो कस्टमर ने की थी वो कस्टमर नहीं करेंगे तो डिपेंड करता है व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर बेटर इज द कोऑर्डिनेशन लेसर विल बी द दंप्लेन हायर विल बी द कोऑर्डिनेशन हायर विल बी द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हायर विल बी द कोऑर्डिनेशन हायर विल बी द प्रोडक्टिविटी और आखिरी पॉइंट छठा जो हम देखना चाहेंगे What is the differentiation between line and staff position? Bada concept hai. Isko zara gaur se line positions and staff positions. Line positions. Line position means these are those managers, these are those positions who are in the direct chain of command. They are looking into the profit generation. They are looking into the service delivery. दर्गेनाइजेशन दे आर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स दे आर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अगर लॉस होगा अगर कंप्लेंट होंगी तो जनाब हम इनसे पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे आर द लाइन लाइन मैनेजर्स दूसरे हम कौन से कह रहे हैं स्टाफ स्टाफ पोजिशन ये वो लोग हैं ये वो पोजिशन हैं, दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज एडवाइस सपोर्ट टू द लाइन मैनेजर्स एच आर डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट जेन में रखिएगा ये दो डिपार्टमेंट खास तौर पर एच आर एंड हाउ आई टी आई टी डिपार्टमेंट ऑल्सो मैंने तीन डिपार्टमेंट का नाम लिया है फाइनंस एच आर आई टी They provide services, expertise, advice to the line managers. So, in other words, my dear students, staff authority is only there to advise, not to command. They cannot pass orders. They can advise. In other words, this is an activity which supports the profit generation. Right? It sports. Or jo activity. पोर्ट कर रही है किसको लाइन अथॉरिटी को तो डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट अहम है तो so, आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखकर ये महसूस कीजिए कौन से डिपार्टमेंट्स कौन से मैनेजर्स लाइन मैनेजर्स हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल दे आर कमांडिंग सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दे आर डायरेक्टिंग सर्टन डिपार्टमेंट्स

हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन डिजाइन एंड डेवेलप इफ इट वर्क फाइन यू लुक एंड टू एट फॉर एयर टू इफ नॉट यू कैन चेंज लेकिन अपने रिसोर्सेस को स्ट्रक्चर देने के लिए आप कोई ना कोई तरीका तो एडॉप्ट करेंगे और जब आप कोई तरीका अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपको जेन में रखना होगा क्या वट इज द चेन ऑफ कमान उ इज द यूनिटी ऑफ कमान वट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल हु इज रिपोर्टिंग टू हुम हु आर इन द लाइन हु आर इन द स्टाफ डिस्टिंक्शन शुड बी क्लियर जो एडवाइस देने वाला है वो डायरेक्शन नहीं देगा ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ गोल्स को अचीव करने के परस्पेक्टिव में एफिशेंटली और इफेक्टिवली कोर्डिनेशन के साथ अचीव हो सके और ये भी जहन में रखिएगा कि जब हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि एक्स वाई जी एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जी डिपार्टमेंट अलग नहीं है बाहर नजर आते हैं इंडिपेंडेंट है जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना एक्स वाई एंड जी आर ऑर्थोगोनल टू इच अदर आर इंडिपेंडेंट यस बट ऑल ऑफ देम आर रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजर All of them are reporting to the board of governor, all of them are reporting to the stakeholders, all of them will be asked if the customers will complain why the complaint rate is so high. If the citizens of one particular area are complaining high of the fluctuity, fluctuation of the electricity, remember I gave you the example of utility. तो अगर किसी एक एरिए के अंदर बिजली की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और लोगों के घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर और टीवी ज्यादा बर्न हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो पूछा जाएगा किसी ना किसी से तो पूछा जाएगा वाईट हैपन हाउ इट हैपन देर हैज टू बी रीजन एंड वी आर लुकिंग फॉर दोज मैनेजर्स हु ब्रिंग अप डिजाइन एंड डेवेलप स्ट्रक्चर Which will coordinate the activities in such a way the organization will achieve its goals in the best way possible. Then, who will be rewarded? You and me. Those people, those managers who are in the line positions, working in the best way possible, and managing in such a way that they are bringing productivity and profitability for the organization, for the society. For the country and for the whole globe itself. Thank you very much for the listening. It's a very important concepts of principles of management with the focus of organizing structures. And we will complete this organizing function in the next session. And then we'll move on to the third function or concept third function. Remember Polka? Leading. After organizing, we will talk in the leading in the coming session. Thank you very much. Khuda and we'll see you in the next session